हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्राकाल का समय, क्योंकि भद्राकाल में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ में जानेंगे कि इस दिन किस समय भूल कर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, भाई बहन के रिश्ते का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन साल 2023 में कब पड़ रहा है, इसे लेकर लोगों में बहुत संशय है। भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 को मनाएं या 31 अगस्त को मनाएं, ये मतभेद बना हुआ है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार राखी कभी भी भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में राखी कब है, रक्षाबंधन कब है, भद्रा काल का समय, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और रक्षाबंधन से जुड़े खास नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का सही समय क्या है, ये बात हर कोई जानना चाहता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। इसके बाद भाई भी अपने बहनों को उपहार देकर उम्र भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हमेशा भद्रा रहित समय में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में शुभ कार्य मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। साल 2023 में रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त बुधवार और 31 अगस्त के दिन गुरुवार को भी मनाया जाएगा, यानी कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 2 दिन मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन के लिए दोपहर का समय अधिक उपयुक्त माना गया है। अगर भद्रा काल की वजह से सुबह के समय में शुभ मुहूर्त नहीं है तो प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, सावन के आखिरी दिन पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त सुबह 10:13 से शुरू होगी, जो कि 31 अगस्त की सुबह 7:46 तक चलेगी। लेकिन पूर्णिमा के साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना गया है। भद्रा काल 30 अगस्त को सुबह 10:13 से रात्रि के 8:47 पर होगी, तो ऐसे में भद्रा काल समाप्त होने पर ही राखी बांधी जाएगी। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त रात्रि के 10:13 से 31 अगस्त की सुबह 7:46 तक रहेगा, लेकिन 31 अगस्त को सावन पूर्णिमा सुबह 7:46 तक है, इस समय भद्रा काल नहीं है। इसी वजह से 31 अगस्त को भी बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं और इस तरह साल 2023 में 30 और 31 दो दिनों तक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन भद्रा काल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि भद्रा काल के समय राखी बांधना शुभ नहीं होता है,
भद्राकाल में राखी बांधने से भाई और बहन दोनों के बीच बुरा असर पड़ता है, दोनों के रिश्ते में बुरा असर पड़ता है, खासतौर पर भाई के जीवन पर। भाई के जीवन पर संकट आने की आशंका रहती है। माना जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसी वर्ष भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का महत्व। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर्व को मनाने की शुरुआत माँ लक्ष्मी ने की थी। महाभारत काल से ही ये त्यौहार मनाया जाता है। चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अपनी बहन की रक्षा की थी और उसकी लाज बचाई थी। भरी सभा में लाज बचाने पर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी और तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राखी बांधने का सही समय क्या है। दोस्तों, 2023 में रक्षाबंधन का पर्व 30 और 31 अगस्त दो दिन मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर। 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी और भद्रा का समय होगा 30 अगस्त को सुबह 10:58 से रात्रि के 9:01 तक। 30 अगस्त राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है रात्रि के 9:01 के बाद और 31 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सुबह के 7:05 तक। आइए जानते हैं कि किस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, 30 अगस्त को भद्रा पहुंच के समय, भद्रा पहुंच का जो समय है 5:30 से 6:31 तक है और 30 अगस्त को भद्रा मुख का समय शाम को 6:31 से 8:11 तक है। तो राखी बांधने के लिए जो सही समय है वो 30 अगस्त को भद्रा रात में 9:01 तक होने के कारण आप चौघड़िया मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। अमृत चौघड़िया मुहूर्त राखी बांधने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त होता है सुबह के 7:34 से 9:10 तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त है सुबह के 10:46 से 12:22 तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है रात्रि में 9:34 से 10:58 तक। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन की पूजा विधि। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, इसके बाद चावल के आटे का चौक पूर कर पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें, दीप जलाएं और थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें। सबसे पहले इष्ट देव की पूजा करें, उन्हें राखी अर्पित करें। उसके बाद भाई को चौक या आसन पर बिठाकर उसका तिलक करें। तिलक के बाद भाई की आरती जरूर उतारें, उसके दाहिनी हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें और मिठाई खिलाएं। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के नियम। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी भूलकर भी नहीं बांधनी चाहिए। जो मैंने आपको समय बता दिए हैं, मुहूर्त बता दिए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, राखी बांधते समय कभी भी काले रंग की राखी ना बांधें, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है और ऐसा माना जाता है कि राखी बांधते समय भाई का मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार राखी पर भाई के लिए तिलक करने के लिए खंडित चावलों का प्रयोग न करें, जिन्हें हम अक्षत भी कहते हैं, तो वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने जाना रक्षाबंधन कब है, रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सही समय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि
और साथ में जाना राखी बांधने के नियम। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।